नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं स्प्रिंग H2O ड्रिंकिंग वाटर। 92 नगर पालिका सफाई कर्मी का मामला, कांग्रेस पार्षद राठौर के मकान के बाहर एक दर्जन से अधिक सफाई कर्मियों ने एक घंटे तक दिया धरना प्रदर्शन। सफाई ठेके कर्मियों का आरोप है कि कांग्रेस पार्षद ने 3 माह से वेतन नहीं दिया है। 30 से अधिक सफाई कर्मियों का 1.25 लाख रुपए से अधिक बकाया होने पर कर्मियों का फूटा गुस्सा। जमादार की समझाइश के बाद सफाई कर्मियों ने किया धरना प्रदर्शन समाप्त। पार्षद राठौर बोले, कुछ पैसे बाकी है, जल्द ही किया जाएगा भुगतान। बहानी में विधायक कार्यालय का विधायक कालूराम मेघवाल की ने किया उद्घाटन। इस दौरान विधायक कालूराम मेघवाल, पुलिस पूर्व पालिका अध्यक्ष पिंकी गुर्जर, सुरेश करावन, राजेश बसवाल, पार्षद प्रदीप जैन, दुर्गा शंकर ठेकेदार, समीर खान, मनोज सोनी आदि भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आमजन की समस्याओं की सुनवाई, उनके त्वरित समाधान के लिए गुरुवार को उपखंड स्तरीय जन सुनवाई उपजिला कलेक्टर छत्रपाल चौधरी की अध्यक्षता में पंचायत समिति के वीसी रूम में आयोजित की गई। इस दौरान उपजिला कलेक्टर ने आमजन की परिवेदनाओं को सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को उनके शीघ्र निस्तारण के लिए निर्देश दिए। जन सुनवाई में कुल 19 प्रकरण आए, जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना के 4 प्रकरण, स्वच्छ भारत मिशन के 5 व सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 2, राजस्व विभाग के 7 व नगर पालिका संबंधित 1 प्रकरण प्राप्त हुए। कुल 22 प्रकरण में से 10 प्रकरणों का मौके पर निस्तारण किया गया। इस दौरान प्रधान सुल्तान सिंह चौहान, तहसीलदार अब्दुल हफीज, विकास अधिकारी रमेश चंद वर्मा, CPO दामोदर प्रसाद शर्मा, JBNL सहायक अभियंता ML मेघवाल, PWD सहायक अभियंता हिमांशु दातिच, डॉक्टर गोपाल सिंह सहायक, विकास अधिकारी सुरेंद्र कुमार दानम, प्रगति प्रसार अधिकारी रामबाबू दांगी सहित कई विभाग के कर्मचारी अधिकारीगण मौजूद रहे। बहरमंडी शहर के रामनगर में स्थित भट्ट कॉलोनी में स्थित रामेश्वर मंदिर में महिलाओं ने धूमधाम के साथ फागोत्सव मनाया गया। वहीं महिलाओं ने मधुबहनों की प्रस्तुति व दीप व फूलों व रंगों से होली खेलते हुए फागोत्सव धूमधाम से मनाया गया। रायपुर कस्बे में पवित्र रमजान माह के दौरान रोजों को लेकर युवाओं, बुजुर्गों के साथ ही नन्हे बालकों में भी उत्साह देखा जा रहा है। इसी क्रम में रायपुर निवासी सबीर खान के 7 वर्षीय पुत्र मुजक्किर खान व कलीम मिर्जा के 8 वर्षीय पुत्र यासिर मिर्जा ने अपने पहले रोजे रखकर खुदाई की इबादत की। बालकों ने अल सुबह अपने परिजनों के साथ उठकर शहरी की व दिन भर भूखे प्यासे रहकर इबादत की। इस दौरान बालकों ने देश में अमन चैन व खुशहाली की दुआएं भी मांगी। झालावाड़ जिले के मनोथाना कस्बे में मनोथाना डिवाई SP किशोर सिंह का विदाई समारोह के दौरान पूर्व सदर असलम खान ने सापा बांध का तिलक लगाकर भव्य आतिशबाजी के साथ प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कामखेड़ा बालाजी मंदिर की तस्वीर प्रतीक चिन्ह भेंट किया। इस मौके पर मनोथाना विधायक गोविंद रानीपुरिया, पूर्व सदर असलम खान, एडवोकेट फिरोज खान, कामखेड़ा थाना प्रभारी सुनील वर्मा, दांगीपुरा सत्यनारायण, मनोथाना प्रभारी अमर लाल सहित समस्त पुलिस स्टाफ, CLG सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी मौजूद रहे। झालावाड़, जिले भर के सभी चिकित्सा संस्थानों पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस का आयोजन किया जाता है। विगत वर्षों में गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले चिकित्सा संस्थानों को आज जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर साजिद खान की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित किया गया। झालावाड़ में विभिन्न राष्ट्रीय निगमों की ऋण योजनाओं के तहत बुधवार को मेगा ऋण मेले का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय निगमों के माध्यम से विभिन्न ऋण योजनाओं के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया। उक्त मेले का जिला स्तरीय कार्यक्रम मिनी सचिवालय के ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। झालावाड़ शहर जिला मुख्यालय होने के बावजूद भी शिक्षा विभाग व जिला प्रशासन के आदेशों की पालना नहीं करवा पा रहा है, जिसके चलते भाजपा खेल प्रकोष्ठ जिला संयोजक अंशुल सिंह पंवार के नेतृत्व में फिर एक बार और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि पिछले कई वर्षों से झालावाड़ क्रिकेट संघ व जिला कार्यकारिणी समस्त क्लब सदस्य द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय न्यू ब्लॉक के सामने स्थित खेल मैदान पर काफी समय से अतिक्रमण कर अपना कब्जा जमा रखा है, उसमें अपनी गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित कर रखी है। विद्यालय प्रशासन द्वारा कई बार झालावाड़ क्रिकेट संघ सचिव फारूक अहमद व जिला कार्यकारिणी को ना जाने कितने नोटिस जारी किए गए, परंतु समाचार पत्रों व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी पूरे झालावाड़ में जिले में प्रकरण प्रकाशित हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हो चुका। झालावाड़ लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में आयोजित किए जा रहे मतदान दलों के प्रशिक्षण का गुरुवार को जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारी प्रथम से कहा कि लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष व स्वतंत्रतापूर्वक संपन्न कराने के प्रशिक्षण के दौरान दी
जाने वाली समस्त जानकारी को अच्छे से समझें और कोई भी समस्या आने पर मास्टर ट्रेनर से उसका समाधान पूछें। उनेल थाना क्षेत्र के गांव में आगामी लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न करवाने को लेकर सीआरपीएफ और उनेल पुलिस के जवानों ने थाना क्षेत्र के चाड़ा पंचायत में मक्सी गांव का कीट किया, उनेल में फ्लैग मार्च निकाला। थाना अधिकारी भवन सिंह सिकटावत ने बताया कि अति संवेदनशील मतदान केंद्र और मतदान केंद्र के रास्ते आसपास के गाँव की भौगोलिक दृष्टि से आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की जानकारी ली गई ताकि आवश्यकता पड़ने पर कंपनी पुलिस के जवान साथ मिलकर संयुक्त रूप से क्षेत्र के गाँव में सुगमता से पहुँच सके। झालरापाटन सुनेल रोड पर स्थित पावखेड़ी गांव के युवा के द्वारा युवाओं को बेहतर रोजगार देने क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए मसाला उद्योग को विकसित कर सुचारू किया है। इसी क्रम में गुरुवार दोपहर को पंचायत समिति सुनेल में जनसुनवाई से पहले जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर के द्वारा युवा के द्वारा स्थापित किए गए मसाला उद्योग पर पहुंचकर औचक निरीक्षण कर उद्योग के बारे में जानकारी लेकर युवा की सराहना की। वहीं आपको बता दें कि क्षेत्र के छोटे से गाँव पावखेड़ी के निवासी अखिलेश नागर पिता प्रभुलाल द्वारा उद्योग स्थापित करने को लेकर लंबे समय से प्रयासरत था, जिनकी मेहनत आज रंग लाई। इस दौरान वार्तालाप के दौरान युवा नागर ने बताया कि समाज व क्षेत्र में युवाओं में बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी के कारण युवा गलत कदम उठा रहे हैं। मैंने करीब 200 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। इसी कार्य को लक्ष्य के रूप में लेते हुए मैंने तानाजी मसाले एवरी जय बदस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से उद्योग स्थापित किया है। युवा की इसी पहल की सराहना कलेक्टर जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर द्वारा की गई। वहीं युवाओं को कहा गया कि कलेक्टर ऑफिस के द्वारा हमेशा आपके लिए खुले हैं और आपको हर मदद की बेझिझक होकर पहुंचना। वहीं ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार देने में मदद करना है। वहीं आपको सरकारी लाभ के साथ साथ अन्य समस्याओं से भी हमें जिला उद्योग का अवगत कराना है। वहीं कलेक्टर राठौर ने बताया कि युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिले, इसके लिए हर संभव मदद प्रयास करेंगे, जिससे युवाओं में मेहनत करने की लगन बढ़े और गलत राह पर ना पहुंचे। इस दौरान जिला लेवल के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। सुनेल क्षेत्र के मगीसपुर गांव निवासी युवक ने घर पर खांसी की दवा समझकर जहरीले पदार्थ का सेवन करने से बुधवार रात को उपचार के दौरान मौत हो गई। थाना अधिकारी विष्णु सिंह ने बताया कि मृतक की मां गायत्री बाई प्रजापति ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि वह पास के गांव में मजदूरी करने गई थी। इसी बीच पुत्र मनीष प्रजापति उम्र 24 साल ने बुधवार दोपहर मोबाइल से सूचना दी कि उसकी तबीयत बिगड़ रही है। इस पर वह घर पहुंची तो वह उल्टियां कर रहा था। इस पर उसने बताया कि उसने खांसी की दवा की जगह जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। इस पर उसे सुनेल चिकित्सालय लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने उसका प्राथमिक उपचार कर जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया। बुधवार देर रात को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने गुरुवार सुबह संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। शामगढ़ में नपाध्यक्ष कविता नरेंद्र यादव के द्वारा 4 लाख लीटर की 2 पानी की टंकियों का भूमि पूजन किया गया व 13 किलोमीटर की पाइपलाइन जो भी के विभिन्न वार्डों में डाली जाएगी, जिनकी कुल लागत 4 करोड़ रुपए है, उसका भूमि पूजन भी किया गया। पहले पानी की टंकी का भूमि पूजन वार्ड 14 में किया गया। दूसरी 4 लाख लीटर क्षमता की पानी की टंकी माताजी मंदिर के पास बनाई जाएगी। वार्ड निवासी लंबे समय से पानी की टंकी के निर्माण को लेकर आवेदन दे रहे थे। वार्ड नंबर 14-15 के पार्षद फारूक मेव सिंटू धमोनिया व वार्ड वासियों ने फूल माला श्रीफल देकर नपाध्यक्ष व अन्य सम्मानित अतिथियों का स्वागत कर आभार प्रकट किया। मंदसौर के पिपला मंडी नगर में बुधवार रात अज्ञात व्यक्ति द्वारा चौपाटी के पास मनासा मार्ग स्थित भाजपा नेता नपा सभापति कमल गुर्जर के घर के बाहर रखी वेगनार की लॉक तोड़ने के प्रयास के दौरान बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़कर कार में नुकसान किया। घटना के बाद तुरंत स्थानीय रहवासियों ने व्यक्ति को पकड़कर रात्रि में पुलिस के सुपुर्द कर दिया। अल सुबह जब परिजनों को पता चला कि रात्रि में चोरी का प्रयास करने वाले अज्ञात व्यक्ति को पुलिस ने रात्रि में ही छोड़ दिया तो परिजन सहित नगर के स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा गया। बेसौरा मंडी में मुख्यमंत्री शहरी अंदोज संरचना चतुर्थ चरण अंतर्गत विभिन्न वार्ड के कार्यों का भूमि पूजन बेसौरा मंडी में आयोजित हुआ, जिसमें नगर के परिषद में 162.84 लाख की लागत से सीसी रोड नाली निर्माण, खेल मैदान पुलिया निर्माण 61.10 लाख, मुख्यमंत्री अंदो संरचना के अंतर्गत सीसी रोड नाली निर्माण हेतु विशेष निधि मत 2023-24 अंतर्गत सीसी रोड नाली निर्माण हेतु 66.32 लाख स्वीकृत हुए, जिसके भूमि पूजन में श्यामा प्रसाद शुक्ला के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। क्षेत्र विधायक चंद्र सिंह सिसोदिया, भानपुरा मंडल महामंत्री अजय तिवारी, नगर परिषद अध्यक्षता गायत्री अजय पौराणिक, भेसोड़ा मंडल
मंडल बेसोरा मंडल अध्यक्ष सोरान सिंह गुर्जर, पूर्व सरपंच श्याम गुर्जर, मंडल महामंत्री प्रहलाद राणा, युवा मोर्चा अध्यक्ष मनोहर सिंह, समस्त वार्ड पार्षद, नगर के नागरिक परिषद कर्मचारी उपस्थित रहे। विधायक ने मंच के माध्यम से बताया कि भारतीय जनता पार्टी एक ही परिवार है, इसमें कोई भेदभाव नहीं रखते हैं, सभी को साथ लेकर विकास करने वाली पार्टी है। विकास के गंगा बहने वाली सांसद सुधीर गुप्ता के विकास कार्यों को गिनाया और भेसोरा मंडी में निरंतर विकास कार्यों को गति देंगे। प्रधानमंत्री की 14,000 करोड़ की जल धन योजना लागू करने के लिए धन्यवाद दिया गया। प्रधानमंत्री को शहर व गांव की चिंता है, इसलिए गांव में विकास हो रहा है। खबरों फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए खबर 24 न्यूज। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे स्प्रिंग S2O ड्रिंकिंग वाटर। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचोरी एंड मिस्टर भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरा लाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिस्टर भंडार, विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजेटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, बहानी मंडी।